Hi, this is Meenu Gupta, your educator and guide on Unacademy. Today I am making this small video depending on the comments that I am getting in live classes. There are many students who speak negatively ki vacancy nahi aa rahi hai to hum padhe kyun? Vacancy nahi aa rahi hai to aap padha hi kyun rahe hain? या जितने भी एजुकेटर्स हैं वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा लाइव क्लासेस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए कि डियर, जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं या उनके दिमाग में अगर ऐसा है कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं या पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, देन डियर ये एक बहुत ही बुरा सा एक्सक्यूज़ है जो आप दे रहे हो अपनी नुकसान के लिए। खुद का नुकसान कर रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, बिकॉज वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, पैंडेमिक का समय है, माना ऐसा हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं? अगर आपके पास एक प्राइवेट जॉब है जिसमें कि आपको बहुत अच्छा पैकेज मिला है तो आप चले जाइए, या आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप वो कर लीजिए। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू टेक दिस ऑप्शन, बट अगर आप आ ही गए हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप इस प्रिपरेशन में अपने आप को झोंक ही दिए हैं तो अब इस बात को सोचने का क्या फायदा है? यह एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये खराब है, वो खराब है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या इसलिए मेरा रैंक नहीं आ रहा है, या इसलिए सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। डियर ये टेंडेंसी छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनी वेयर, आप कहीं पर भी रीच आउट नहीं करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं ये देखिए, आज के समय में, आज इस वक्त आपके पास ऑप्शन क्या है? और आपके पास ऑप्शन है कि आप पढ़ाई करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। आज वैकेंसी नहीं आ रही है बट कल ज़रूर आएंगी, पेपर ज़रूर होंगे। और हाँ, एक बात लिख के रख लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद नहीं हो जाएगी। पहली बात ये समझ लो, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है ना या डिप्लोमा किया है, डियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी बंद नहीं होगी। माना कि गेट से एग्जाम हो करके पीएसयूज ना रिक्रूट करे, बट वो खुद का एग्जाम लेकर के तो रिक्रूट करेगा ना, और जब भी वो रिक्रूट करे, मेक श्योर कि जब भी रिक्रूटमेंट हो आप वो हो जिसे नौकरी मिले। इनफैक्ट मेक श्योर इस देश में मैकेनिकल इंजीनियर को कभी भी नौकरी मिले तो वो आप हो, आप पहले वो इंसान हो जिसे नौकरी मिले। सो ये लेमन एक्सक्यूजेस दे करके खुद को जस्टिफाई करना बंद करिए, और आपके सामने ऑप्शंस जो भी हो उन ऑप्शन से अपने लिए बेस्ट चूज करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच।